नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट, वेलकम टू इथियोपिया अफ्रीका। इथियोपिया देश के नॉर्दर्न पार्ट में हूँ अभी मैं, अफार रीजन में। ये दानाकिल डिप्रेशन टूर चल रहा है। इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा दोस्तों, लाइव एक्टिव वॉल्केनो जो कि एटाले नाम के जगह पे है, और लेक अफ्रेरा और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये उसका दूसरा पार्ट होने वाला है दोस्तों। हम एटाले से निकल चुके हैं दलोल के लिए। वहाँ क्या क्या होता है आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे, और इस बीच हम रुक रहे हैं एक जगह लंच के लिए। दोस्तों ये सफ़र ना बहुत मज़ेदार है भाई, ऐसा हेक्टिक ट्रैवल तो है लेकिन मज़ा आता है। अभी रुके हुए हैं लंच के लिए, जैसा कि मैंने बताया। तो लंच में क्या बन रहा है इधर आप लोग देखें, ये एग, पता नहीं कैसा ऐसा करी बनाएंगे होगा, ये चाय या कॉफ़ी कुछ है फिलहाल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे ये खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे मिलता है, लेके आना पड़ता है भाई, इधर कोई जुगाड़ नहीं। और ये लो जी, खाना बन के तैयार है। तो यार अभी जाने के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा आगे एक जगह रुकेंगे, गांव में कॉफी सेरेमनी होगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यार पूरे सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फुल पुलिस प्रोटेक्शन में भाई। तो यार यहाँ एक लोकल परिवार में आए हुए हैं, ये भी लुंगी पहनते हैं भाई, देखो। इस ट्राइब में यार जो मेंस हैं वो कॉफी देते हैं, वरना मोस्टली ऐसा होता है यहाँ इथियोपिया में कि वुमेन्स ही कॉफी देते हैं ना गेस्ट को। और ये क्या हो रहा है आप लोगों को पता है क्या? ये चाट के पत्ते हैं, नशे के लिए खाया जाता है मूंगफली के साथ में। तो ये पैक कर रहे हैं। तो भाई अभी जहाँ रुके हुए थे हम लोग खाना खाने के लिए, फिर कॉफ़ी पीने के लिए गए थे एक परिवार में, उस जगह का नाम है अहमदिल्ला, है ना। उसका स्टोरी बहुत लंबा चौड़ा है, क्यों वैसा नाम पड़ा इसको लेकर। अभी आगे बढ़ रहे हैं दलोल जाने के लिए, जिसका सुबह से इंतज़ार है, बस उसी के आज का ये सफ़र चल रहा है। मुझे लगता है 40 मिनट लगभग के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे एटाले से यहाँ तक। यार पूरा ऑफ रोड है, लेकिन यार यहाँ पे अगर पक्की रोड अच्छे से बन जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा ही ठीक है क्योंकि थोड़ा एडवेंचर फील हो रहा है ना, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, बस हम ही लोग हैं पूरे रास्ते में। दोस्तों ये सॉल्ट डेजर्ट है यार, चारों तरफ नमक ही नमक भाई। यार सही में यार ये वाला एक्सपीरियंस ना अब तक का सबसे अलग एक्सपीरियंस है। पहले जो मैं आप लोगों को नमक की सफेद चादर दिखा रहा था, यहाँ पे नमक का पीला चादर देखने को मिल रहा है भाई। ये आप लोग देखिए, ये है नमक ही यार, लेकिन इधर में पता नहीं है मिट्टी मिक्स है या फिर इधर का कैसा है। अच्छा अच्छा यार एक फैक्टर है भाई। दोस्तों थोड़ी देर के बाद में आप लोग और भी बहुत सारी चीजें कलरफुल देखने वाले हैं। इन सब का रीजन एक है दोस्तों, वहां पे मैं पहुंच के बताऊंगा कि क्यों। दोस्तों इस देश को लैंड ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, यहाँ से कॉफी की शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ कॉफी की क्या बात करूं यार, मानव जाति की शुरुआत हुई यहाँ से ऐसा माना जाता है। लूसी के स्केलेटन के बारे में आप लोगों को तो पता होगा, वो यहाँ पर ही कहीं पे मिला था फार रीजन में। इसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं गूगल से या फिर यूट्यूब से वीडियो देख के, है ना। इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये सी लेवल से काफी नीचे है। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी भी जगह को हम सी लेवल से मापते हैं कि समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई इतनी है, इतनी है। ये समुद्र तल से कितना नीचे है फीट में बताता हूँ। हाँ तो इस जगह के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ दोस्तों, जितना मुझे पता है। आप लोगों ने तो देखा ही चारों तरफ नमक नमक है, यहाँ पे ब्राउन कलर का नमक है ना। तो पहले तो बताता हूँ यहाँ पर चारों तरफ नमक नमक क्यों है। जो वैज्ञानिक है वो ऐसा उनका थ्योरी है कि कई लाख साल पहले यहाँ पे डेड सी से फ्लड आया हुआ था, तो इस वजह से काफी मोटा परत नमक का बन गया। मैं तो शुरू में सोच रहा था कि यहाँ के बारिश में भी कैसा नमक यार, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली जमा हुआ है नमक नमक नमक। यहाँ पर सब कुछ कलरफुल है भाई, कलरफुल लैंड। तो दोस्तों अब समय हो चुका है ये बताने का कि यहाँ पर सब कुछ कलरफुल क्यों है, खास करके ये जगह, ये ऐसा क्यों दिखता है। दोस्तों आप सब जानते हैं धरती के मुख्य तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। तो पहला लेयर यानी कि क्रस्ट और दूसरा लेयर मेंटल, इसके बीच की जो दूरी होती है आमतौर पर ये लगभग 25 से 35 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर है दोस्तों। बहुत ही पतला परत है यहाँ पर क्रस्ट का, तो इसमें मौजूद पानी क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर है मेंटल और उसमें मौजूद मैग्मा के हीट से गर्म होकर बाहर आने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी पतला परत होने की वजह से
जाते भी हैं और साथ में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स को साथ में लेके बाहर निकलते हैं। क्योंकि अलग अलग मिनरल का अलग अलग कलर होता है तो ये बाहर निकल के बहुत रंगीन दिखाई देते हैं यहाँ पे। यार धरती के भी इतने अलग अलग रूप भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं धरती क्षेत्र में हूँ यार, ये दुनिया अलग है। वहाँ जैसा था वैसा एक प्लेस इधर में भी है, थोड़ा थोड़ा दूर में ऐसे। यार नाम भर के सुरक्षा कर्मी नहीं है भाई हमारे लिए, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है ना तो फटाक से ध्यान देते हैं। अभी मेरा पैर घुस रहा था इधर में, दोनों आगे बेचारे। ये होता है ख्याल रखना। इनका नाम है अहमद अली, अली मोहम्मद अली, और वो अब्दुल भाई है। अरे क्या शूट करने वाला है, ओरिजिनल AK-47 है भाई, हल्के में मत लो। चल गया भैया, गुस्सा काबा करता से यार। अरे अरे व्हाट इज दैट, मजाक था यार। तो भाई वापस से पहुंचने वाले हैं हम लोग उस जगह पे जहां पर हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। यार ये बंदे लोग ना काफी मस्ती करते हैं, मुझे तो लगने लगा था यार क्या इनको दिख गया जो ये निशान चुके हैं यार बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। इधर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ नमक की मोटी चादर और यहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत सा पॉन्ड है यार जिसमें पानी भरा हुआ है भाई। यहाँ नमक तो है लेकिन पानी की काफी कमी है चारों तरफ, और ऐसे जगह में पानी का भरा होना भाई बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता है दोस्तों नमकीन पानी में आप डूबेंगे नहीं, चाहे आपको तैरना आए चाहे ना आए भाई। अभी हम लोग एक सॉल्टी लेक में जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे होंगे नमक नमक के बारे में ज्यादातर बातें हो रही हैं, वोल्केनो के बारे में ज्यादातर बातें हो रही हैं, अलग अलग मिनरल्स के बारे में बातें हो रही हैं, जो भी नेचुरल थिंग्स है उनके बारे में बातें हो रही हैं। जितनी भी चीजों को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब चीज अमेजिंग है, यूनिक है ना। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो लेक सॉल्टी लेक में जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए, फिर वापस आके यहाँ पे हमारे जो दोस्त है या शायद मैं भी पता नहीं स्विमिंग करेंगे, है ना। ना किया ना जीप पे, नमकीन के साथ साथ में तीखापन भी लगा भाई, तो बहुत हार्ड है यार नमक का लेक होना है नसीब। यार इस जगह पे वापस आ गए हैं, ये भाई यहाँ कुर्सियां लगा दी गई हैं अभी एक अच्छी शाम के लिए, और यहाँ पर जिसका मन हो नहाओ, यहाँ पर पैर ऐसे झुला के एंजॉय करो क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग है, नमकीन हॉट स्प्रिंग। कम जॉइन अस ब्रो, वेलकम टू द गुड लाइफ इन इथियोपिया अफ्रीका। आप जितना जोर लगा लो यार पानी के अंदर जा ही नहीं सकते भाई, सही में यार ये ऐसा सॉल्टी वाटर में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। समुद्र में तो नहाया हूँ लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं किया था मैं। यार वापस से हमें दिल्ला आ गए हैं और अभी खाना पीना होगा, डिनर है ना, और आज की रात भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खाट में सोने वाले हैं आज यार यहाँ पे, अभी तो इधर ऐसे रखे हैं चार चार करके, अलग अलग जगह पे रखेंगे बाद में। यार बहुत कुछ सिमिलर होता है ना। तो भाई आज फिर से एक बार ऐसे खुले आसमान के नीचे सोने का मौका मिल रहा है। ये भी पानी है, आपका पानी है बोल रहे हो शायद?
थोड़ा सा अपने जूते अगर पीछे का गीले ना हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं, अभी तक सनराइज तो हुआ नहीं। गुड, तो भाई गन तैयार किए जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी जाने का समय हो चुका है यार, वापस से मेरा से फिर कैसा होगा मैं बताऊंगा। ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, ये लगभग 6-7 घंटे का सफर होने वाला है। एक दादा से मिले, हेलो सलाम सलाम सलाम। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है ये जो ब्लॉग था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, फिर भी कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।